इसराइल के हालिया हमले से ईरान को कितना नुकसान पहुंचा है, सैटेलाइट इमेज से क्या पता चला है, दोनों पक्षों का क्या कहना है। चलिए अब तक सामने आई हर बड़ी बात से आपको रूबरू करा देते हैं। तो सबसे पहले बात इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक बयान की। तो नेतन्याहू ने कहा है, शनिवार की सुबह सुबह हमने अपना वादा पूरा किया। वायुसेना ने ईरान भर में हमले किए। हमने ईरान की रक्षा क्षमताओं और हम पर निशाना साधने वाली मिसाइलों के उत्पादन की उसकी क्षमता पर प्रहार किया। नेतन्याहू ने कहा, ईरान में हमला सटीक और शक्तिशाली था और हमले के सभी मकसद पूरे हुए। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा है कि इजरायली हमले को ना तो कम करके आंका जाना चाहिए और ना ही बड़ा चढ़ाकर पेश करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी अधिकारियों को ये निर्धारित करना चाहिए कि अब इजरायल के सामने ईरान की ताकत का सबसे अच्छा प्रदर्शन कैसे किया जाए, मतलब फिलहाल इस तनाव के कम होने की संभावना नहीं दिख रही। मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान के इस दावे का भी जिक्र है कि उसे इजरायली हमले से सीमित नुकसान ही पहुंचा है। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री ने दावा किया है कि इजरायली हमले में अमेरिका का भी हाथ था। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए इजरायली वायुसेना को हवाई गलियारा और उपकरण मुहैया कराए। ये दावा ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका ने दुनिया के सामने इजरायल से उन कदमों से बचने के लिए कहा जिनसे क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका हो। वहीं इजरायल का कहना है कि उसने अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर टारगेट का चयन किया, न कि अमेरिका के निर्देश के आधार पर। चलिए अब बात करते हैं उन दावों की जो सैटेलाइट इमेज के आधार पर सामने आए हैं। एक अमेरिकी शोधकर्ता ने दावा किया कि इजरायली हमले में एक ऐसी इमारत को निशाना बनाया गया जो ईरान के बंद पड़े परमाणु हथियार विकास कार्यक्रम का हिस्सा थी। उन्होंने और एक और शोधकर्ता ने कहा कि मिसाइलों के लिए ठोस ईंधन को मिक्स करने वाली सुविधाओं को भी निशाना बनाया गया। कमर्शियल सैटेलाइट इमेज पर आधारित ये आंकलन संयुक्त राष्ट्र के पूर्व हथियार निरीक्षक डेविड अल्ब्राइट और वॉशिंगटन थिंक टैंक CNA के एसोसिएट रिसर्च विश्लेषक डेकर एबलिथ की ओर से अलग अलग किए गए। इजरायली सेना के मुताबिक उसने शनिवार तड़के तेहरान के पास और पश्चिमी ईरान में मिसाइल कारखानों और दूसरी जगहों पर हमला किया जो ईरान के 1 अक्टूबर को इजरायल पर किए गए हमले का जवाब था। अल्ब्राइट ने कहा कि कमर्शियल सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि इजरायल ने परिचयन में तालेघन 2 नामक एक इमारत को निशाना बनाया जिसका इस्तेमाल ईरान के निष्क्रिय परमाणु हथियार विकास कार्यक्रम अमाद योजना के दौरान परीक्षण गतिविधियों के लिए किया गया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि ईरान ने साल 2003 में इस कार्यक्रम को बंद कर दिया था। ईरान भी अब परमाणु हथियार बनाने की बात से इनकार करता है।